पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया और पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है ओलंपिक के अंदर। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जेवलिन थ्रो में आपको पता ही होगा नीरज चोपड़ा पहले यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे बन चुके हैं, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ये गोल्ड मेडल ले गया है और हिंदुस्तान को इसमें हरा दिया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो खेल हुआ है ओलंपिक का इस बार जो पेरिस के अंदर हो रहा था, और इसमें जेवलिन थ्रो जो गेम है उसमें 6 अटेम्प्ट होते हैं और 6 अटेम्प्ट में यहाँ पे पाकिस्तान के अरशद नदीम ने रिकॉर्ड भी बनाया है। वहीं आपको पता होगा इससे पहले अरशद नदीम की जो कहानी है वो भी थोड़ी सी आपको बताऊंगा, जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, और यहाँ पे हिंदुस्तान के जो नीरज चोपड़ा है वो कौन से स्थान पर है वो भी आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अरशद नदीम की, जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे पहला यहाँ पे जेवलिन थ्रो किया जिसमें उनको कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जैसे उन्होंने सेकेंड मतलब दूसरा जैसे उन्होंने जेवलिन थ्रो किया तो उसमें लगभग यहाँ पे 92 पॉइंट कुछ यहाँ पे लगभग 97 के करीब उन्होंने फेंका, उसमें उन्होंने लगभग 93 मीटर का था है जो जेवलिन थ्रो था, और ये 100 साल के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पे जो टारगेट उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया, मतलब सबसे लंबा यहाँ पे जेवलिन थ्रो किया है। इससे जो यहाँ पे भाला होता है, पहले तो जो अरशद नदीम है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो 100 साल के अंदर अभी तक रिकॉर्ड नहीं बना था कुछ, वो 100 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है और इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। प्लस मैं आपको बता दूं उसके बाद यहाँ पे जितने इन्होंने 5 और अटेम्प्ट करे, 5 के 5 और इनके कामयाब रहे, इसमें इन्होंने जो लास्ट का फेंका वो भी लगभग 91 मीटर का था, 91 मीटर कुछ का, ये भी एक खुद में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो ये यहाँ पे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद के नाम, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी खुद के नाम, और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी कनाडा के खिलाड़ी के नाम है। प्लस मैं आपको बता दूं इसमें जो जेवलिन थ्रो में यहाँ पे और भी बाकी देश के खिलाड़ी थे जो यहाँ पे कनाडा के, हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान के नीरज चोपड़ा थे, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे लगभग 89 मीटर यहाँ पे पॉइंट कुछ यहाँ पे जो जेवलिन थ्रो किया है, लगभग वो 90 मीटर तो पार नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 92 मीटर का किया है पाकिस्तान के यहाँ पे, किसने, अरशद नदीम ने। यहाँ पे एक बहुत ही यहाँ पे तगड़ा रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, जो लगभग यहाँ पे 32 साल के अंदर पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक के अंदर। इससे पहले यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए यहाँ पे नीरज चोपड़ा ला चुके हैं, और नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी दोस्ती वगैरह भी बताई जाती, जो इनके फोटोज़ वगैरह यहाँ पे मिलते रहते थे तो ये भी चलते रहता था। प्लस मैं आपको बता दूँ जो अरशद नदीम है वो एक बहुत ही यहाँ पे गरीब घराने से आते हैं, जिनके यहाँ पे जो है समझ लो उनके पास एक भाला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, उसके लिए उन्होंने PCB की और जितने यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मदद लेनी पड़ी, तब जाके वो एक यहाँ पे 75-80 हज़ार का यहाँ आता है, तो उन्होंने वहां से इकट्ठे करके जो भाला होता है वो खरीदा था। इससे पहले लकड़ी का जो भाला बना के उसी से प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पे अपने देश का नाम रोशन कर दिया। पिछली बार नीरज चोपड़ा ने करा था हिंदुस्तान का नाम रोशन, इस बार पाकिस्तान ने किया पड़ोसी मुल्क वालों ने। और प्लस मैं आपको बता दूं अच्छी बात यह है कि भाई ये एशिया में ही रहा है, किसी और देश पर भी जाता लेकिन ये एशिया में ही रहा है पाकिस्तान वालों पे। तो भाई हमारी तरफ से अरशद नदीम को भी बधाई, और नीरज चोपड़ा यहाँ पे सिल्वर गोल्ड लेकर आया हिंदुस्तान के लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सेकंड पे पोजीशन पे आना ये भी कम नहीं है। तो नीरज चोपड़ा को भी बधाई। प्लस मैं आपको बता दूं नीरज चोपड़ा की माँ ने ये कहा है कि यहाँ पे वो भी मेरा ही बेटा है जो पाकिस्तान का जीता हुआ, ये भी मेरा ही बेटा है, तो मुझे यहाँ पे पूरी खुशी हुई है, बाकी पहले ही नीरज यहाँ पे जो है सिल्वर लेके आया हो। तो यहाँ पे अभी पाकिस्तान ने यहाँ पे गोल्ड मेडल 32 सालों के अंदर एक अपना नाम कर लिया है, तो ये अरशद नदीम यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं ओलंपिक के अंदर। तो बस ये थी आज की वीडियो, पसंद है प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसी तरह अपडेट लाके देता रहूंगा। थैंक यू।